गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों का चैप्टर 5 हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको आइलैंड्स ग्रुप के बारे में शुरुआत की थी, जिसमें लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में आपको बताया गया था। दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उसकी शुरुआत हमने की थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जिसको जानना भी बाकी है रिवाइज करना। तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसमें दो ग्रुप है, अंडमान और पहला अंडमान और दूसरा निकोबार, ठीक है। अंडमान जो ग्रुप है उसमें लगभग उसमें आपके 550 आइलैंड्स हैं, और निकोबार छोटा है आइलैंड ग्रुप, उसमें 22 मेन आइलैंड्स हैं, ठीक है। जिसमें से 550 जो अंडमान ग्रुप के हैं उसमें से सिर्फ 26 ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, निवास करते हैं। और जो निकोबार जो स्मॉल आइलैंड ग्रुप है उसमें 22 मेन आइलैंड्स हैं, इसमें सिर्फ 10 ऐसे आइलैंड्स हैं जिसमें लोगों का निवास स्थान है, ठीक है। एक और चीज़ जो मैंने बताई थी आपको कि दीज आइलैंड्स आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, यहाँ से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है और एकमात्र जो है एक्टिव वोल्केनो जो है पाया जाता है यहाँ, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी जो है यही इसी आइलैंड में अवस्थित है। राइस मेस पाइनएप्पल कोकोनट रबर एंड टी आर द मेन प्रोडक्ट्स ग्रोन हियर। इस आइलैंड्स में राइस मेस के अलावा कुछ फ्रूट्स जिसमें कोकोनट है, पाइनएप्पल और साथ ही साथ रबर और टी के पौधे लगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। कुछ फसल के अलावा ग्रेन्स के अलावा कुछ फ्रूट्स हैं, और उसके अलावा रबर और टी जैसे पौधे भी यहाँ पे लगाए जाते हैं। फिशिंग अनदर ऑक्यूपेशन के रूप में है, जो कि प्रदेश ऑफ वाटर बॉडीज। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव हियर एंड स्पीक डिफरेंट। भारत के विभिन्न हिस्सों से, इंडिया के विभिन्न हिस्सों से लोग आकर यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे कई तरह के लैंग्वेज जो है उपयोग में है, कई तरह की भाषाओं का उपयोग होता है यहाँ के लोगों के द्वारा, जिसमें आपका बंगाली, हिंदी, निकोबारी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ठीक है। जिसमें आप देख रहे हैं मोस्टली साउथ के लैंग्वेज बोले जाते हैं यहाँ पे, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। द ट्राइबल स्पीक्स देयर लोकल डायलेक्ट्स, जो यहाँ के जनजाति के लोग हैं, ट्राइबल्स पीपल हैं, वो अपनी लोकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो भाषा है उसका इस्तेमाल, जो लोकल भाषा होती है उसका इस्तेमाल यहाँ के ट्राइबल पीपल के द्वारा किया जाता है। सम वेरी ओल्ड ट्राइब्स स्टिल लिव इन थिक फॉरेस्ट, कुछ ऐसे ट्राइब हैं जो बिल्कुल घने जंगलों में रहते हैं एंड फॉलो देयर ओन कल्चर, और अपने कल्चर के अपनी संस्कृति के हिसाब से जीते हैं। दे कलेक्ट देयर फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट, और चूँकि जंगल के बीचों बीच रहते हैं, जंगल में रहते हैं, घने जंगल में, तो अपना भोजन जो है वो फॉरेस्ट से ही कलेक्ट करते हैं, और अपनी परंपरा को कायम रखते हैं, किसी दूसरे परंपरा के साथ, दूसरे कल्चर के साथ अपने आप को मिक्स नहीं करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस इज पोर्ट ब्लेयर सेलुलर जेल। पोर्ट ब्लेयर का जो सेलुलर जेल है वो अपने आप में पहचान रखता है, बिकॉज मेनी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वर केप्ट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, क्योंकि इस पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में जो है बहुत सारे
बहुत जो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उनको इस जेल में रखा गया था। इसके लिए यहाँ पोर्ट ब्लेयर का सालवर जेल जो है जाना जाता है। दीज आइलैंड्स बिफोर इंडिपेंडेंस दीज आइलैंड्स वे रेफर टू एज काला पानी, और इस आइलैंड्स को काला पानी कहा जाता है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो स्पेंड सम टाइम ऑन दीज आइलैंड्स लॉन्ग इन द सेल्वर जेल। भारत के कई नेताओं को इस पोर्ट ब्लेयर के सेल्वर जेल में रखा गया था, जिसमें हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो स्पेंड सम टाइम ऑन दिस आइलैंड रॉक इन द सेल्वर जेल। पोर्ट ब्लेयर इज ऑल्सो ए पोर्ट and link to Kolkata and Chennai by air and sea routes. The extreme southern point of the Indian Union, extreme southern point of the Indian Union, which is called Indira Point, जो भारत का extreme southern point है जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, is located in these islands. The extreme southern extreme tip, which is known as Indira Point, is located in this. Sixth chapter, the revision हम लोग start करते हैं, the climate of India. We know that India has various physical features like mountains, hills, plateau, plains, deltas, coastal plains, islands, etc. A wide variety of landforms affect the climate. भारत का जो physical feature है वो विविधता से भरा हुआ है, different physical features हैं, जिसमें आपका mountain, plateau है, coastline है, valleys है, plains है, islands इत्यादि। तो इन वेरियस फिजिकल फीचर की वजह से जो है भारत का क्लाइमेट भी विभिन्न है, अलग है ना, अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरह का क्लाइमेट है। द सीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेट इज वेरी सिग्निफिकेंट एज इट अफेक्ट द एनिमल एंड प्लांट लाइफ ऑफ द रीजन, द रेस, कल्चर एंड फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल आर डिटरमाइंड बाय द वेरिएशन। लोगों का जीवन शैली है वह इस जलवायु पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट जो है इनके जीवन शैली को प्रभावित करता है। भोजन, ड्रेसिंग यानी कपड़े, फूड हैबिट्स हो गया आपका, ड्रेसिंग हो गया, दैट डिटरमाइंड ऑल डिटरमाइंड बाय द वेरिंग क्लाइमेट। पीपल एडजस्ट देयर लाइफ स्टाइल, और लोग अपने लाइफ स्टाइल को क्लाइमेट के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ओके, वेदर और क्लाइमेट दो टर्म है यहाँ पे, दो वर्ड है वेदर और क्लाइमेट। वेदर के बारे में, इट इज द कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर ऑफ ए स्मॉल एरिया फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज वेदर। इट कैन चेंजेस day to day, even hour to hour. It can change from day to day, even hour to hour. जो दिन में यहाँ तक कि घंटे में भी बदल सकता है। क्या है वेदर? वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर ऑफ अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट क्लाइमेट रेफर्स टू जनरल वेदर कंडीशन ऑफ ए लार्ज एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट।
major factors influencing the climate. Temperature and rainfall affect the climate. The climate of a place usually depends upon several geographical factors. A few factors that affect the climate of a place. The first one is height above the sea level. Height above the sea level. The place higher above the sea level or are colder than those which are a lower level. समुद्र से जो ऊंचा स्थान होगा, जो ऊंचा रीजन होगा, वहाँ का क्लाइमेट जो है कोल्ड होगा कंपेयर टू द प्लेसेस आर एट अ लोअर लेवल. जो समुद्र से जो भी ऊंचा स्थान होगा, ऊंचे रीजन होंगे, क्षेत्र होंगे, वहाँ का क्लाइमेट निचले रीजन के क्लाइमेट में, लोअर रीजन के क्लाइमेट में जो है वह ठंडा होगा. ओके, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो है तापमान टेम्परेचर जो है घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है. यही रीज़न है कि ऊंचाई अत्यधिक ऊंचाई पर जाने से जो है क्लाइमेट जो है ठंडा होता है, टेम्परेचर रिड्यूस होता जाता है और ठंडक जो है इंक्रीज जो है होता जाता है. दूसरा जो आपका फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी या डेजर्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द डेजर्ट और डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन. जो भी रीजन समुद्र तट, समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है, नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. डेजर्ट रीजन का क्लाइमेट हॉट होगा ऑब्वियसली, और माउंटेन रीजन का क्लाइमेट जो है वो कोल्ड होगा. द विंड कमिंग फ्रॉम स्नो क्लैड माउंटेन इज कोल्ड, सो द क्लाइमेट इज कोल्ड. द हॉट ड्राई विंड्स कमिंग फ्रॉम द डेजर्ट ड्यूरिंग समर ब्रिंग हीट वेव्स. अब डेजर्ट से आने वाली हवा अपने आसपास के क्षेत्रों को गर्म कर देती है और वही हवा अगर माउंटेन रीजन से आ रहा है पहाड़ी क्षेत्रों से तो वह क्लाइमेट को ठंडा करता है. तो ये प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट का और रीजन का. ठीक है, समुद्र तट से नज़दीक वाले, समुद्र तट के नज़दीक वाले क्षेत्र जो है वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होगा और अदर हैंड दूसरे जो क्लाइमेट जो रीजन समुद्र से काफ़ी दूर होगा वहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम होगा. ठीक है, तो इस तरह से प्रभावित करता है. सीजन की हम अगर बात करें तो इंडियन क्लाइमेट इज डिवाइडेड टू थ्री मेन सीजन. यू नो वेरी वेल अबाउट दिस. द मेन थ्री मेन सीजन्स आर समर, रेनी एंड विंटर. समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन. रेनी सीजन को मानसून सीजन भी कहा जाता है और तीसरा जो आपका विंटर सीजन. इसके अलावा दो और सीजन होते हैं, स्प्रिंग और ऑटम. ठीक है, लेकिन मुख्यतः तीन ही सीजन बताया गया है भारत में, समर, रेनी एंड विंटर सीजन. समर सीजन में स्टार्ट होता है अप्रैल से और जून तक चलता है. ड्यूरिंग समर, समर सीजन सन रेज आर नियरली वर्टिकल. हम लोग अत्यधिक गर्मी महसूस करते हैं क्योंकि सन रेज जो है वर्टिकली जो है पड़ता है. एंड द सन इज हॉटेस्ट एट नून. दोपहर का समय जो होता है वह अत्यधिक गर्म होता है. और ड्राई विंड्स ब्लो इन द डेजर्ट एंड इन द नॉर्थन रेगिस्तान में और वस्तल क्षेत्र में और साथ ही साथ नॉर्दर्न प्लेस में जो है हॉट ड्राई विंड्स बहते हैं, गर्म हवा बहती है. डस्ट स्टॉर्म्स आर ऑल्सो कॉमन ड्यूरिंग समर. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का मतलब होता है कि गर्मी में अत्यधिक गर्मी और
ठंडे में अत्यधिक ठंड का एहसास होता है, दैट इज नोन एज एक्सट्रीम क्लाइमेट। सम पार्ट्स ऑफ द हिमालयस रिमेन कवर्ड विद स्नो इवन ड्यूरिंग दिस सीजन। हिमालय के कुछ हिस्से जो है समर सीजन में भी बर्फ से ढके हुए होते हैं। मेनी पीपल मूव टुवार्ड द हिली एरिया, बहुत से लोग जो है इस सीजन में समर सीजन में हिली एरिया की ओर प्रस्थान कर जाते हैं टू एंजॉय द प्लेजेंट वेदर। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, यू नो दिस इज नोन एज पेनिनसुला, remains less hot than the north. The sea breeze which blows from the sea keeps the coastal areas cool. समुद्र से आने वाली हवा जो है वो कोस्टल एरियाज को तटीय क्षेत्रों को ठंडा रखती है, ठंडा करती है। However, humidity is very high. लेकिन humidity जो है अत्यधिक humidity बनी होती है because of the moisture present in the atmosphere. और this causes rainfall. The second season is rainy season. This season comes after the summer in India and begins in June and last till September. June से लेके September तक का जो मौसम होता है वो होता है, सीजन जो होता है rainy season. Starts from June and last till September. During this season, the monsoon winds blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal towards the land. These winds are called southwest summer monsoon. They are moist winds. The rain first begins in the south along the Malabar coast. भारत में सबसे पहले जो मानसून प्रवेश करता है वो साउथ में, सबसे पहले साउथ रीजन में भारत के मानसून को सबसे प्रथम रिसीव करने वाला स्टेट जो है वो केरला है, जो भारत का साउदर्न पार्ट है। और बाय द मिडल ऑफ जुलाई द मानसून रीचेज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, और जुलाई आते आते जो है भारत के लगभग हर क्षेत्र में मानसून प्रवेश कर जाता है और जिससे वर्षा होती है। The winds blowing from the Bay of Bengal cause heavy rainfall in the northeastern hilly areas. Bay of Bengal से आने वाली हवा heavy rainfall का कारण बनती है in the northeastern hilly areas. In the northern plains, the rainfall decreases from east to west. The Thar Desert and Gujarat's Kutch receive no or very very little rain. जैसे कि हम लोग डेजर्ट के बारे में हम लोग पढ़ा कि वहाँ जो है बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है, देर इज नो और वेरी लिटिल रेन इन द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया लाइक गुजरात एंड राजस्थान, थार डेजर्ट रीजन एंड कच्छ ऑफ गुजरात। द कोरोमंडल कोस्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट लाइन रिसीव अ लॉट ऑफ रेन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। हम लोगों ने कोरोमंडल कोस्ट के बारे में पढ़ा था, इस रीजन में जो है वर्षा नवंबर और दिसंबर में अत्यधिक वर्षा होती है। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव बीन रेनफॉल कॉजेस फ्लड्स। अब अत्यधिक वर्षा रेनफॉल जो है वो ह्यूमन लाइफ के लिए यानी लिविंग जो भी लिविंग थिंग्स है उसके लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन कभी कभी यह रेनफॉल एक्सेसिव रेनफॉल होने के कारण यह फ्लड का रूप ले लेता है, बाढ़ का रूप ले लेता है और यह लोगों के लिए है ना हार्मफुल होता है। In some parts of the country, heavy rainfall causes floods where the places which receive a scanty rainfall experience. अत्यधिक वर्षा हो गई तो बाढ़ का रूप ले लिया,
है ना। बाढ़ का रूप ले लेता है और अगर वर्षा नहीं हुई तो वो सूखा का रूप ले लेता है। मतलब दोनों कंडीशन में जो है वर्षा होनी भी जरूरी है, लेकिन अत्यधिक वर्षा अगर हो गई तो वह उसका रिजल्ट होता है फ्लड के रूप में, और जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, काफ़ी तबाही झेलनी पड़ती है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर वर्षा नहीं होती है तो लोगों को सूखा और अकाल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में जो है इसलिए जो एवरेज रेनफॉल है वह होना जरूरी होता है। ठीक है, साइक्लोन्स आर कॉमन इन द डेल्टास ऑफ गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो हम लोग सीजन्स इन इंडिया, भारत की ऋतुओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने समर सीजन की बात की जो स्टार्ट होता है अप्रैल से और जून तक चलता है, और अलग अलग क्षेत्र का जो है अलग अलग क्लाइमेट होता है। दोपहर का समय जो होता है काफी गर्म होता है। डेजर्ट रीजन है इंडिया के, उसमें अत्यधिक गर्मी दिन में जो है अत्यधिक गर्मी का एहसास होता है, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है ना, फिर रात होते होते कम जाता है टेम्परेचर। अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरह से जो है प्रभावित होता है। सब कुछ पार्ट है भारत के, खासकर हिमालय रीजन्स जो है यहाँ पे लगभग इस सीजन में भी जो है बर्फ से ढका हुआ था, कई क्षेत्र इसके हैं, और प्लीजेंट वेदर होता है हिली एरियाज में, जहाँ पे लोग अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए उन एरियाज पे उन क्षेत्रों में चले जाते हैं। एक सीजन हमारा मेन सीजन विंटर सीजन एक और रह गया है, उसके बाद हम लोग स्प्रिंग और ऑटम की भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। आज जो है अपने क्लास को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।